أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Shahan Rahim, the Modern Public High School, Class 8. अभी तक आपके प्रीवियस दो लेक्चर हो चुके हैं कम्प्लीट. आज नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, ये स्टार्ट करेंगे. लेक्चर नंबर 2 में एक्सेट 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट किया था, और उसके साथ मैंने कुछ होम असाइनमेंट दी थी. वह उम्मीद है कि आप लोगों ने घर में सोल्व कर लिए होंगे. अब नेक्स्ट है एक्सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को समझाया गया, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कन्वर्ट चेंज करना है दी फॉलोइंग रेशियो नंबर. फिर हम अगेन चेक करेंगे वो रेशियो नंबर्स हैं, इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. उसे डेसिमल में यानी पॉइंट्स में लेके जाना है, एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. अब वहाँ पर क्या था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ पर वर्ड चेंज होकर आ गया रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ज़रा नोट करें आप बच्चे कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से वर्ड से ही वाजे हो रहा है कि इसका आंसर कैसे बनेगा. वो क्या है, रिपीटिंग, रिपीट में इतना क्या करना, रिपीट पे रिपीट करते जाना यानी दोहराते जाना. तो जो क्वेश्चन इनफाइनाइट यानी रुकता नहीं होगा, मुसलसल चलता जाएगा, वो क्या कहलाएगा, रिपीटिंग ही होगा. दरअसल ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला ही सीन है, वो ही करना होगा. बस क्या नेम चेंज कर दिया गया, जो रिपीट होंगे यानी बार बार चलता रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, और जो स्टॉप हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग. यानी वो स्टॉप हो गया, रिपीट नहीं हो रहा, उसे नॉन रिपीटिंग कहेंगे. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया मैंने अच्छे से बताया. किसी को फिर भी मसला हो तो आगे क्वेश्चंस में देखें, कोई परेशानी होती तो मुझसे डिस्कस करें. देखें, मैंने सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 लिया, उसे सॉल्व कर रहा हूँ. वो क्या है, 4/5. चलें सबसे पहले चेक करते हैं 4/5 रेशियो नंबर है. ये देखें, ये पी बाई क्यू शेप में है, ठीक है. ये दोनों क्या है, बिलोंग्स करें इंटीजर्स के साथ, और क्या वो नॉट इक्वल टू क्या है, ज़ीरो. यानी ये ज़ीरो नहीं है, 5 है. येस इट इज़ अ रेशियो नंबर. ये रेशियो नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रेशियो नंबर है. चलें सोल्यूशन निकालते हैं, ज़रा सोल्यूशन देखें. आपको पता है नॉमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू अंदर, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या आती है, बाहर आती है. 4 आ गया 5. अब 5 क्या है, ग्रेटर, 4 क्या है, लेस है. 5 का टेबल 4 में, 5 का टेबल में 4 नहीं आएगा, तो मैंने क्या लगाया, पॉइंट. पॉइंट लगाने से यहाँ पे आ गया है 0. ये क्या बन गया, 40. 40 क्या है, ग्रेटर. अब 5 क्या है, लेस है. 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 40 है या 40 से लेस है. 5/8 दा क्या आ गया, 40. 5/8 दा 40. ये क्या कम्प्लीट सॉल्व हो गया. ज़रा देखें 40 में से 40 आउट क्या क्या आ गया, 0. ज़रा देखें ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ये रिपीट नहीं हुआ, ये रिपीट पे रिपीट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग. तो आंसर क्या है, 4/5 इज इक्वल टू 0.8. ये बार बार क्या है, सो ऑन चलता नहीं है, चल नहीं रहा, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग. क्या आ गया, नॉन रिपीटिंग. यहाँ तक बेटा पहले पार्ट में किसी को कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है. ये खूबसूरती के नेक्स्ट पार्ट हम मैंने चूज़ किया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, इसे सॉल्व करते हैं. ज़रा देखें, मैंने हर टाइप की एक एग्जांपल किया है. पहले नॉन रिपीटिंग यानी क्वेश्चन किया है, पहले नॉन रिपीटिंग का किया था, अब मैं देखें क्यों रिपीटिंग का कर रहा हूँ. देखें 8/9. अब ये क्या है, रेशियो नंबर चेक करेंगे. आप सब बच्चे अब खुद भी चेक कर सकते हैं, इतनी दफ़ा रिपीट किया है, फिर भी मैं अगेन रिपीट करवा रहा हूँ. पी बाई क्यू दोनों क्या हैं, बिलोंग कर रहे हैं जी के साथ, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ अ रेशियो नंबर. चलें अब 8 को रखा अंदर, 9 को बाहर. ज़रा देखें 8 क्या है, लेस. 9 क्या है, ग्रेटर. अब मैंने क्या लगाया, पॉइंट. क्या आ गया, 0. अब ज़रा देखो ये 80 है, ठीक है. 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 80 है. 80 से क्या है, लेस है. 9/8 दा 72. 0 में से 2 आउट नहीं होता, कैरी करूँगा. 10 बन गया, 10 में से 2 निकाला, क्या रह गया, 8. 7 में से 7 निकाला, क्या, 0. यहाँ 7 कैसे आया, यहाँ से कैरी किया था, तो 8 क्या बन गया, 7. 7 में से 7 आउट, क्या, 0. अब 8 क्या है, फिर लेस. 9 क्या है, ग्रेटर. मैंने अगेन 0 उतारा, देखे दोबारा फिर क्या बन गया, 80 बन गया. क्या बन गया, 80. फिर 9 का टेबल मैंने 8 तक पढ़ा, 72. फिर मैंने लेस किया, सेम जैसे ऊपर किया वैसे नीचे, तो क्या आया, 8. फिर क्या बन गया, 80. फिर मैं 9 का टेबल कहाँ पर तक पढ़ा, 8 तक पढ़ा, 72. फिर क्या आया, 8. अब ज़रा देखो मैं यहाँ फिर 0 लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 80. फिर आगे 8 लगाऊँ, फिर 72. फिर सोन चलता जाएगा. यहाँ देखें 0.8888 चलता जा रहा है. यानी ये क्या हो रहा है, रिपीट पे रिपीट होता जा रहा है, बार बार चलता जाएगा. यानी ये डज नॉट एंड हो रहा, एंड नहीं हो रहा. तो इसका मतलब क्या है, ज़रा देखें, 8/9 इज इक्वल टू 0.888 सोन. तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ
अ रिपीटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, इट इज़ अ रिपीटिंग। ओके बेटा समझ आ गई, एक मैंने किया है नॉन रिपीटिंग का पार्ट और एक कर दिया रिपीटिंग पार्ट। मैंने आपकी हेल्प के लिए एक और पार्ट किया हुआ है, वो भी देख लें सब अच्छे। आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट मैं सॉल्व करूँ, आप भी घर में प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, 21/6 पार्ट नंबर 10 है। ये क्या है आपका 21/6, आप फिर चेक खुद करेंगे अब कि ये क्या है, रैशन नंबर है कि नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रैशन नंबर है, आप खुद भी घर में चेक कर सकते हैं। मैंने 21 को रखा अंदर, 6 क्या आ गया बाहर, ज़रा देखें 6 की ऑलरेडी 21 क्या है ग्रेटर, तो मैं 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ाऊँ कि 21 या 21 से क्या आ जाए छोटा, तो 6 3 18। अब क्या किया, 1 में से 8 आउट नहीं होता, कैरी किया, 11 में से 8 आउट किया 3 आ गया, 1 में से 1 आउट किया क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ देखें 3 है, 3 लेस है, 6 क्या है ग्रेटर, मैंने क्या लगा दिया पॉइंट लगाने से क्या आया 0, तो 0 ये क्या बन गया 30। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ 30 है, 30 से क्या आ जाए लेस आ जाए, तो 6 5 30 ये ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया। ज़रा देखें 30 में से 30 आउट किया तो क्या रह गया 0, यानी ये क्या हो गया है स्टॉप हो गया है, यानी प्रोसेस एंड हो गया है, इसका मतलब क्या ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21/6 = 3.5, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा, इसे क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग, क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग। नो बेटा अब मैंने एक और पार्ट आपके लिए किया है सॉल्व, ज़रा देखें वो क्या है 10/3, क्या है 10/3, ये क्या है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है रैशन नंबर, आप लोग चेक करेंगे। अब ये 10 बेटा अंदर रखा 3 बाहर, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ो 10 है, 10 ऑलरेडी क्या है बड़ा है, 3 तक क्या आ गया 9, 10 में से 9 आउट किया तो कैरी करने ज़बान ही पता है, 10 में से 9 निकालें क्या बचेगा 1 लेस 3 ग्रेटर, मैंने पॉइंट लगाया क्या आ गया 0, 3 3 9, फिर क्या बचा 1, फिर मैंने क्या लगाया 0, 3 3 का क्या आ गया 9। अब देखो 1 में 1 बचता जा रहा है, फिर 9 आता जाएगा, ये रिपीट पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ज़रा देखें 3.333 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट पे रिपीट चल रहा है, यानी ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये मुसलसल चलता जा रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या है बेटा 10/3 = 3.333, यानी ये चलता जा रहा है, रुका नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे इट इज़ रिपीटिंग कहेंगे। समझ आ गई बच्चे, मैंने 2 पार्ट बेटा रिपीटिंग किए हैं, 2 नॉन रिपीटिंग किए हैं, फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 था, एक्सेल 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने एक छोटी सी आपके लिए होम असाइनमेंट बनाई है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में जो एक्सेल 2.1 का है उसका पार्ट नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 11 ये आप लोगों ने अपने रफ रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। उसमें आपने बताना है रिपीटिंग कौन सा है और नॉन रिपीटिंग कौन सा है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। आपके तमाम का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।